नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन की खास पेशकश एक मुलाकात में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में खास मुलाकात में डॉक्टर भावना जायसवाल एक न्यूट्रिशनिस्ट है और दूसरा उन्होंने इस क्षेत्र में काफी अच्छी पहचान बनाई हुई है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और वो अभी वर्तमान में द हार्ट बीट हेल्थ केयर सेंटर में अपनी सेवाएं दे रही है एज ए न्यूट्रिशियन। हमने उन्हें आमंत्रित किया है कि खान पान कैसा होना चाहिए, हृदय रोगियों को कैसा खाना चाहिए कैसा नहीं और उनकी दिनचर्या क्या होना चाहिए, इन सब की जानकारियां देने हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर भावना मैडम, आपका स्वागत है। सबसे पहले आप बताएंगे कि हृदय रोगियों के लिए दिनचर्या जो होती है वो कैसी होनी चाहिए, उनका खान पान कैसा होना चाहिए। देखिए, हृदय रोगियों की जब हम बात कर रहे हैं तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हृदय का काम होता है, हार्ट का काम होता है कि वो पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाने का काम करता है। अब ब्लड जहाँ ब्लड में आर्टरीज में फैट का डिपॉजिशन होना चालू होता है तो थिकनिंग क्रिएट होती है और वो ब्लॉकेज क्रिएट करता है। तो जब हम हार्ट बीट हेल्थ केयर सेंटर में जो भी मरीज आते हैं उनका हम हार्ट से रिलेटेड डाइट, कार्डियक डाइट पे मैं काम करती हूँ, तो मैं उनका जो वो फैट का डिपॉजिशन, उनकी दिनचर्या सुनने के बाद, उनके मेडिकल इश्यूज सुनने के बाद मैं उनका पूरा डाइट प्रोवाइड करती हूँ। उनको उनकी क्या लाइफस्टाइल है उस लाइफस्टाइल को मैं रेगुलरली फॉलो करती हूँ, देखती हूँ कि वो क्या चीज़ें करते हैं, क्या चीज़ें, उनकी सारी चीज़ें सुनने के बाद मैं पहले उनको डाइट में कंफर्टेबल करवाती हूँ, देन मैं उनको एक कार्डियक डाइट प्रोवाइड करती हूँ जो उनकी लाइफस्टाइल के लिए बहुत अच्छा हो। तो जैसा कि आपने बोला हृदय रोगियों के आहार के लिए बात करना, तो हृदय रोगियों का आहार बोले या फिर संतुलित आहार, यदि हमारा खान पान असंतुलित होगा तो हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत लो रहेगा, और यदि हम संतुलित आहार लेंगे तो हम ना कि हृदय रोग बल्कि बाकी सभी रोगों से हम अपना बचाव कर सकते हैं। हृदय रोगियों में भी हम प्रिवेंशन के लिए डाइट देते हैं कि आगे चल करके उनको कोई तकलीफ ना हो। इवन यदि किसी को थोड़ा पेन स्टार्ट हुआ है, उनको ब्लॉकेज है, तो हम ईईसीपी मशीन के थ्रू और हमारे डाइट के थ्रू उनकी रिकवरी पूरी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा मोटो ही ये है, विजन ही हमारा ये है कि हमको हमारे हृदय रोगियों के साथ बाकी सभी रोगों को प्रिवेंशन करके चलना है। ये हमारा विजन है एक्चुअली कि कार्डियक डाइट क्लिनिक ज़्यादा हो और हॉस्पिटल्स कम हो। आपने जब कार्डियक डाइट के बारे में बताया तो ऐसा क्या खान पान होना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए जिससे हमारा हृदय स्वस्थ रहे। देखिए, इस पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी दिनचर्या, जो कि सुबह उठते ही हमें जो मॉर्निंग का जो सनलाइट होता है, जो उसके रेड रेज रहते हैं, वो हमारी बॉडी को विटामिन डी देते हैं। विटामिन डी हमारी बॉडी में मिलता है तो कोलेस्ट्रॉल ऐसे ही बॉडी में कम बनना चालू हो जाता है। तो हृदय रोगियों के लिए मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये रहेगा कि वो सुबह उठ करके जो मॉर्निंग सनलाइट होती है वो ले, उसके बाद गुनगुना पानी पिए, क्योंकि गुनगुना पानी यदि सुबह उठ करके पीते हैं तो हमारी बॉडी में जो भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो बॉडी में नहीं बनते और हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। क्या डाइट फॉलो करके हम हृदय रोगों से बच सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल हम बच सकते हैं, क्योंकि जब डाइट पे कोई भी मरीज आता है या क्लाइंट आता है, या सिंपल भाषा में बोलूं कि एक व्यक्ति आता है, तो हम ना कि उसकी वो जो रोग है उसको ख़त्म करते हैं बल्कि उनको एक अच्छा दिनचर्या देने की कोशिश करते हैं। तो यदि उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का सोर्स रोकना होता, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड यदि बॉडी में बढ़ा हुआ रहता है तो वो थिकनिंग क्रिएट करता है और वही जाकर के आगे ब्लॉकेज क्रिएट करता है, तो हमें उसका सोर्स रोकना पड़ता है। तो मैं आपको आगे थोड़ा बताना चाहूँगी कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के सोर्सेस क्या होते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है वो एनिमल फूड्स हो गए, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, इनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ट्राइग्लिसराइड ऑयली फूड्स में ज़्यादा पाया जाता है, तो हम इन दोनों का सोर्स रोक देते हैं।
तो इससे हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल बनना चालू हो जाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल कम होना चालू हो जाता है। आप न्यूट्रिशन है, कार्डियो डाइट के अलावा आप और किन किन रोगों का आप उपचार करती हैं? देखिए मैं पिछले 3 से 4 साल से इस फील्ड पे वर्क कर रही हूँ। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं भिलाई दुर्ग विथ ऑल ओवर इंडिया के पेशेंट्स हैं, तो मैं उन बेसिकली वेट लॉस वेट गेन पे काम करती हूँ। और मेरे पास कुछ एक बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो मैंने अपने प्रैक्टिकल अनुभव से बनाई है, जो मैंने पढ़ा है उसके बेसिस पे मैंने कंसीव डाइट करके एक चीज़ नहीं चल रही, इसका कोई जिक्र नहीं है बाहर, शायद किसी न्यूट्रिशनिस्ट को पता भी नहीं होगा, पर मैंने आहार को बहुत प्रैक्टिकल स्टडी करने के बाद कंसीव डाइट करके एक चीज़ लाई है जो शायद मेरे पेशेंट्स को पता है। मेरे यहाँ 3 से बहुत ज़्यादा केसेस तो नहीं है इसके, पर जितने मैंने केसेस देखे हैं कंसीव डाइट के, उसमें से ऑलमोस्ट 90% केसेस को आज एक बेबी हो चुका है, और सिर्फ डाइट से। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं उन मरीजों की का ट्रीटमेंट करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि डाइट इतना अच्छा इम्पॉर्टेंट वर्क प्ले करती है। देखिए कंसीव डाइट पे हम जैसे मेरा 1 मंथ का प्लान रहता है, कंसीव डाइट मैं 2 मंथ्स का देती हूँ, उसमें मैं वीकली क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है जिससे हमारा यूट्रस हेल्दी हो, हमारे उसमें हम मेल को भी डाइट स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर फर्टिलाइजेशन टाइम पे, जो एक निश्चित उनके लिए टाइम रहता है जिसपे कंसीविंग का उनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उस टाइम पे हम उनको भी डाइट स्टार्ट करते हैं कि फीमेल के साथ मेल भी बहुत सक्षम रहें चीज़ों के लिए। तो मेरे यहाँ बहुत सारे केसेस पॉजिटिव हैं जो जिनके अभी बहुत अच्छे हेल्दी बेबी हैं जो कि आते हैं अपने बेबी को लेके, तो मुझे बहुत खुशी होती है उनको देख करके। तो ये एक मैंने नई चीज़ लाई है इस फील्ड पे। दूसरा PCOD डाइट, थायराइड डाइट, किसी को हाइपर यूरिसेमिया है, लाइक यूरिक एसिड किसी की बॉडी में बहुत ज़्यादा है, तो मैं वो यूरिक एसिड लेवल अपने डाइट के थ्रू कम करती हूँ। आप कितने सालों से इस फील्ड में हैं और ऐसे कितने पेशेंट्स या मरीज कह सकते हैं जिनको आपने ठीक किया है? देखिए मैं 3 से 4 साल हो गए हैं मुझे इस फील्ड में आए हुए। बेसिकली एज आई एम होम्योपैथिक डॉक्टर, तो प्रैक्टिस तो मैंने मुझे नौ साल हो गया है करते करते, पर इस फील्ड में मुझे 3 से 4 साल हुआ है जिसमें मैंने कम से कम 300 से 400 मरीज देखे हैं, जिनमें वेट लॉस वेट गेन के लिए तो मैंने अपना एक नाम खड़ा किया है यहाँ पर। यदि आप दुर्ग जाएं भिलाई जाएं तो डॉक्टर भावना बोलने से कि हाँ हम जानते हैं मैम वेट लॉस वेट गेन करवाती और उनका इतना अच्छा डाइट है, मेरे किसी पेशेंट का कभी फीडबैक दिलवाऊंगी मैं आपको। आप एज ए न्यूट्रिशन है और अच्छे खान पान के साथ ऐसी दिनचर्या कैसी होना चाहिए जो स्वस्थ रहें और मस्त रहें, का नारा लेकर चले? देखिए जैसा कि मैंने थोड़ा पहले ही बताया है कि सुबह उठकर के हमें सबसे पहले मॉर्निंग सनलाइट लेना चाहिए, चाहे आप रोगी हो चाहे रोगी ना हो, निरोगी रहे, बट आपको सुबह का सनलाइट लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि विटामिन डी का सोर्स, आज मैं एज अ न्यूट्रिशनिस्ट यहाँ पे वर्क कर रही हूँ तो मैं देखती हूँ जब मेरे पास मरीज आते हैं तो उनकी बॉडी में हर की बॉडी में विटामिन डी और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी रहती है, इसलिए मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रहता है मेरे यदि पेशेंट है जो मुझसे आकर के मिल रहे हैं, उनको ये बोलती हूँ कि आप आइए सबसे सुबह उठ करके सबसे पहले सनलाइट देखिए, आप अपना नहीं अपने घर के सभी लोगों को इस चीज़ का सुझाव दीजिए करके। मैं खुद अपने घर पे अपने बच्चों को बाहर ले जा कर के सनलाइट दिखाती हूँ और विटामिन डी देने की कोशिश करती हूँ, उसके बाद हमें कुनकुना पानी पीना चाहिए। देन सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि हमें जो कि आजकल के लोग प्रॉपर करते ही हैं कि अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर जाते हैं, ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना चाहिए क्योंकि वो मॉर्निंग का सबसे हेल्दी चीज़ रहता है, और यदि हम अपना ब्रेकफास्ट हेल्दी रखें तो हमारा पूरा दिन एनर्जेटिक जाता है
और हम काम करने के लिए इतने फ्रेश रहते हैं, और दूसरी हमें अपने खाने में हर दिन सलाद, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ज़रूर लेना चाहिए। मैं तो अपने हर डाइट के पेशेंट्स को बोलती हूँ कम से कम आप दिन में दो बार फ्रूट्स लीजिए, हर फ्रूट्स, हर सीजनल फ्रूट खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डायबिटीज़ का पेशेंट है तो वो मीठी फ्रूट्स नहीं खा सकता, खा सकता है, पर एक प्रॉपर अमाउंट में, लिमिटेशन में रख के खाए तो वो हर एक चीज़ खा सकता है। वर्तमान में हम कोरोना महामारी से जूझ भी रहे हैं और बीते 2 से 2.5 वर्षों में काफ़ी क्षति पहुंचा चुका है कोरोना में। कोरोना में अक्सर देखा गया कि जो हार्ट के पेशेंट थे उन्हीं पर ज़्यादा तकलीफें आई और ज़्यादा जाने गई है, तो यही था कि वो हार्ट पेशेंट थे। क्या कारण रहा होगा जो कोरोना ने उनको ज़्यादा अटैक किया? क्योंकि देखिए, लंग्स से ही नज़दीक का ऑर्गन है हार्ट, तो जब कोरोना के पेशेंट्स आए हैं, कोविड ने लंग्स पे इन्फेक्ट किया है, तो जिनका भी मेटाबॉलिज्म बहुत वीक रहा है, जिनका खान पान, दिनचर्या अच्छी नहीं है, वो लोग इनसे बहुत ज़्यादा ग्रसित हुए हैं। और देखा गया है उन मरीज़ों में जिन्होंने जिनके लंग्स ऑल इन्फेक्ट हुए हैं और उनका दिनचर्या सही नहीं है, तो उन मरीज़ों में ही ये तकलीफ, जो डेथ रेट है वो ज़्यादा हुआ है। वर्तमान में आप अभी द हार्ट हेल्थ केयर सेंटर दुर्ग में पदस्थ हैं और वहाँ पर एज ए न्यूट्रिशियंस सबको डाइट फॉलो करने की सलाह दे रही हैं, तो क्या कार्डियक अटैक के पहले हम ऐसा खान पान बनाएं या ऐसी दिनचर्या रखें जिससे इससे हम बच सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बच सकते हैं। मैंने बताया ना कि दिनचर्या बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब यदि हम लाइफस्टाइल अभी से सीखें कि हाँ हमें सुबह उठ करके ये खाना चाहिए, दोपहर में हमको एक छोटा सा मील लेना चाहिए जिसको हम बोलते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक्स, देन लंच एक करना चाहिए और डिनर हमें 8 बजे के पहले पहले ख़त्म कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि हम डिनर बहुत लेट नाइट करते हैं तो हमारा डाइजेशन बहुत वीक हो जाता है। डाइजेशन जहाँ वीक होने लग गया तो हमारे स्लीप में डिस्टर्बेंस चालू हो जाती है, तो वो धीरे 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 क्या होता है कि हमारी बॉडी में लीवर का काम करना कम हो जाता है और मेटाबॉलिज्म बहुत वीक हो जाता है। इसी पद्धति में डाइट कितना मायने रखता है, क्योंकि आप वहाँ पर अभी पदस्थ हैं और काफ़ी ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जो वहाँ की क्लास ले भी रहे हैं और उनको आप एज ए न्यूट्रिशन बता भी रही हैं डाइट के लिए, तो ये कितना कारगर है इसी पद्धति में? देखिए, यदि मैं डाइट की बात करूँ, मशीन की बात करूँ, तो देखिए मशीन 40% वर्क करती है, डाइट 50% एंड 10% आपका एक्सरसाइज वर्क प्ले करता है, जो हम बोलते हैं कि आपको योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि मन स्वस्थ है तभी तो हृदय स्वस्थ रहेगा। तो हमें मन को स्वस्थ बनाना है तो हमको प्राणायाम की बहुत ज़रूरत है, और ये सुबह सुबह करना और कारगर साबित होता है। जैसा आपने मुझसे हार्ट बीट से रिलेटेड चीज़ें पूछी है, तो जब हार्ट बीट में कोई भी पेशेंट आता है तो हम वहाँ पे 3 डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर शेखर, डॉक्टर राहुल एंड मैं एज अ कार्डियक डाइट वहाँ पे पेशेंट्स को देखती हूँ। तो जब भी कोई मरीज़ आता है तो सबसे पहले वो शेखर सर के पास जाते हैं, ECP का पूरा इन्फॉर्मेशन उनको, क्योंकि वो प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट हैं तो वो पूरी चीज़ें डिटेल करते हैं। फिर हम उस पेशेंट को, जब वो पेशेंट उनके पास आते हैं तो हम उन तीनों मिलकर उस केस को पूरा डिस्कस करते हैं कि उनका क्या खान पान होना चाहिए, क्योंकि देखिए तरह तरह के कार्डिक पेशेंट्स आते हैं, किसी को डायबिटीज़ होता है, किसी को हाइपर मतलब BP की शिकायत होती है, किसी का लीवर बहुत कमज़ोर होता है, किसी को हार्मोनल इश्यूज होते हैं, लाइक यदि फीमेल्स में आए तो PCOD थायराइड की तकलीफ रहती है, तो सबका डाइट प्लान बहुत डिफरेंट रहता है। यदि उसको हार्ट की तकलीफ़ है और उसके साथ उसको किडनी की तकलीफ आ रही है, तो हमको देखना पड़ता है कि उनको पानी कितना देना है, कितने अमाउंट में उनका पानी जाना चाहिए, क्योंकि यदि किडनी प्रॉपर वर्क कर रहा है तो बहुत अच्छा है, यदि किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है तो आपके हार्ट में भी प्रेशर पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे मरीज़ हैं जिनका BP, डायबिटीज़ हम डाइट के थ्रू मैनेज करके रखते हैं। एक कार्डियक मेडिसिंस तो रहती ही है, पर हम कोशिश करते हैं जितने से जितना कम हो सके मेडिसिंस दें। बहुत सारे ऐसे मरीज़ आते हैं जिन्होंने हमें लाइक फीडबैक दिया है, जो स्पेशली मेरे डाइट के बाद आकर के बोलते हैं कि मैम पहले मेरा पेट साफ़ नहीं होता था, आपके डाइट लेने के बाद, सिर्फ एक हफ़्ते डाइट लेने के बाद मेरा पेट साफ़ हो रहा है, मेरा BP जो 180
190 आता था वो आज 140 आ रहा है सिर्फ एक हफ्ते के डाइट से। तो सोचिए यदि हम पूरा साल उस चीज को फॉलो करें तो क्यों हम हृदय रोग से बचेंगे नहीं। हृदय रोग नहीं बोल सकती मैं, बोली हर एक डिसीज से हम बच सकते हैं। एक लाइफस्टाइल बहुत इम्पोर्टेंट है आज के इस टाइम पे। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं एक ही संदेश देना चाहूँगी कि समय से उठिए, समय से सोइए और जितना अच्छा खाना खा सकते हैं हेल्दी फूड खाइए। मतलब आपके खाने में जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। और यदि आपको कुछ हेल्दी खाना है या आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही है, आप बहुत पीड़ित हैं रोगों से, तो आप हमारी क्लिनिक ज़रूर विजिट करिए। हम आपको सिखाएंगे कि कैसे सारी चीज़ें कर सकते हैं। और जैसा कि हम करते हैं, जब मेरे पास कोई मरीज आता है तो मैं उसको चीज़ें खुद देखती हूँ, खुद मैं व्हाट्सएप में सारी फ़ोटोज़ मंगाती हूँ, तो मैं उसका हर एक मील चेक करती हूँ कि उसने क्या लिया है डाइट के अकॉर्डिंग प्रॉपर। उनके फ़ोटोज़ देखने के बाद यदि वो चीज़ें कुछ गलत करते हैं तो उन चीज़ों को मैं बताती हूँ कि आपको ऐसा करना चाहिए, आप ये खाएंगे तो आपको ऐसी एनर्जी मिलेगी। खुद मैं चाहूँ तो इतने पेशेंट्स देखती हूँ, मैं अंदर अपने अंडर एक लोग रख करके उनको चीज़ें एज अ डाइटिशियन किसी को रख करके काम करवा सकती हूँ, पर मैं पेशेंट्स को खुद पर्सनली देखती हूँ, उनको डाइट प्लान खुद एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या चीज़ें आपको किस समय खानी चाहिए, उन चीज़ों का क्या एडवांटेज है, उसमें क्या क्या न्यूट्रिशन रहता है। यदि आप मेरे किसी मरीज से मिलेंगे तो वो अपने में एक बना बनाया न्यूट्रिशनिस्ट है, क्योंकि मैं उसको उसमें पाए जाने वाले सारे न्यूट्रिशन के बेनिफिट्स, डिसएडवांटेज सारी चीज़ें बताती हूँ। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो आए और काफ़ी सारी जानकारियाँ हृदय रोगियों से संबंधित या कैसा हमें खाना चाहिए, कैसी दिनचर्या होना चाहिए, इसके बारे में बताया आपको। दर्शकों आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूद थी डॉक्टर भावना जायसवाल, होम्योपैथी डॉक्टर हैं और एज ए न्यूट्रिशनिस्ट है और क्लिनिकली साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने बहुत सारी जानकारियां हमें हृदय रोगों से संबंधित दी हैं और कैसे खान पान हमारे होना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब नहीं उठना चाहिए। और उन्होंने एक नारा दिया कि मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ। तो दर्शकों आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एक डाइट को फॉलो करें, दिनचर्या अपनी अच्छी रखें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।